शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती और बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। जंतर मंतर की जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ कोई किराए के आए हुए लोग नहीं है, ये कोई दिहाड़ी पे आए हुए लोग नहीं है, ये चंद्रशेखर रावण के समर्थन में आए हुए लोग जो करोड़ों की भीड़ उमड़ रही है। कुछ लोग तो पैदल दिल्ली पहुंच गए हैं। जंतर मंतर पर भीड़ उमड़ रही है, नीली क्रांति चहका रही है, चारों तरफ एक ही नारा लग रहा है, जय भीम जय संविधान। तो आप भी कमेंट में भर दीजिए, जय भीम जय संविधान। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि भीड़ जो उमड़ रही है, यहाँ पे लाखों करोड़ों की जो भीम आर्मी के लोग हैं, वो चंद्रशेखर रावण के समर्थन में हैं। चंद्रशेखर रावण कोई वहां पे दंगा फसाद करने तो गए नहीं है, उस साहब से अपने हकों अधिकार की लड़ाई करने के लिए क्रांति करने गए हैं। और उस क्रांति में अहम मुद्दा है, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अर्थात बहुजन साथियों तुम हमारा साथ दो हम तुम्हें तुम्हारा हकों अधिकार दिलाएंगे, तुम हमें सिक्योरिटी के लिए मांग करो हम तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाएंगे। चंद्रशेखर रावण को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, चंद्रशेखर रावण पे जो हमला हुआ था उस पे खुल के विस्तार रूप से चर्चा होनी चाहिए। चंद्रशेखर रावण ने भी ट्वीट किया था। तो जितने भी लोग वहां पे गए हैं ना, चारों तरफ जगमगा रहा है नीला झंडा, चारों तरफ जगमगा रहा है नीला झंडा, आकाश से लेकर पाताल तक जगमगा रहा है नीला झंडा। बाबूजी सांसद में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं कि नीला झंडा चारों तरफ जगमगा रहा है, और प्रधानमंत्री जी खामोश पे खामोश। वो आपको एक डायलॉग याद होगा ना, वो शत्रुघ्न सिन्हा बोलना करते थे खामोश। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी हिंदी मूवी ज्यादा देख रहे हैं और उनको शत्रुघ्न सिन्हा की मूवी ज्यादा पसंद है। कुछ भक्तों की भावना आहत हो सकती है, तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए। तो वही उनको खामोश, हर बात पे मोदी जी खामोश। क्या प्रधानमंत्री जी को चंद्रशेखर रावण को सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप बताइए, क्या उनको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? जेड प्लस की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इनके जो समर्थक लोग हैं ना, जो मोदी जी वहां किनारे लगाते हैं, उनके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाता है, उनको जेड प्लस की सिक्योरिटी दे दी जाती है, लेकिन चंद्रशेखर रावण को नहीं मिलती है, क्योंकि वो दलितों के अधिकार की बात करते हैं और वो दलित और शोषित वंश से आते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आज जो क्रांति चल रही है, हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसपे आपकी कान में अगर कुछ चला गया है ना, तो दवाई ववाई ले लीजिए, बाकी आप उस पर बात कीजिए। चंद्रशेखर रावण को जल्द ही सिक्योरिटी मुहैया करवाइए। प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर रावण जी का जो समर्थन लोग कर रहे हैं, उनपे आपके जो भक्त लोग हैं ना, वो गलत गलत कमेंटबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग तो हमारे पे कह देते हैं कि कुरी कुर्मी चमार हो गया है। ऐसा नहीं, हम तो सनातनी हिंदू है, सनातनी ब्राह्मण है। जातिवाद पे मैं खैर ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं, और मैं कहता हूं कि देश का दलित प्रधानमंत्री अगर चंद्रशेखर रावण बनता है, तो मेरी चंद्रशेखर रावण से एक अपील है कि वो इस देश में जाति व्यवस्था को खत्म कर दे। ना कोई कुर्बी, ना कोई चमार, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई बनिया, ना कोई शूद्र, ना कोई वैश्य, ना कोई क्षत्रिय, यहाँ पे सब भारतीय हो जाएं। जब सब भारतीय हो जाएंगे ना, तो अनुराग ओझा भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि तो कोरी कुर्मी चमार हो गया, हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करता है। अनुराग ओझा उसी दिन से हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने लगेगा जब यहाँ पे चमार भी ब्राह्मण के यहाँ शादी करेगा, कुर्मी भी ब्राह्मण के यहाँ शादी करेगा, क्षत्रिय के यहाँ शादी करेगा, ठाकुर के यहाँ शादी करेगा। जब सबके यहाँ समानता का अधिकार हो जाएगा, अनुराग ओझा उसी दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देगा। चंद्रशेखर रावण को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और जितने भी लोग आए हैं ना, सब भैया ट्वीट कीजिए कि चंद्रशेखर रावण को जल्द ही सिक्योरिटी मुहैया कराइए। इतनी भीड़ लग गई है महाराज, जंतर मंतर पे लगी हुई है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी चंद्रशेखर रावण के अंदर कोई घमंड नहीं है। वो प्रधानमंत्री की भीड़ में तो 5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, तब भी प्रधानमंत्री कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, ये परिवारवादी सरकार देश को बर्बाद कर रही है। लेकिन चंद्रशेखर रावण जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम शोषित वंचित और अल्पसंख्यकों की आवाज उठाएंगे, हम दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएंगे, हम एक नीली क्रांति लाएंगे जो देश में समानता और धर्म को समान रखने की बात करेगा। वर्तमान सरकार धर्म पे राजनीति करना चाहती है, चंद्रशेखर रावण वास्तविक मुद्दों पे राजनीति करना चाहते हैं। और वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो एक दलित शोषित वंचित अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं। क्या आप लोग उनके समर्थन में नहीं है? अगर हैं तो कमेंट में बताइए। जितने भी लोग हैं ना, कमेंट में बताने के बाद में प्रधानमंत्री को भी एक ट्वीट कीजिए और लिखिए कि हाकिम, क्या चंद्रशेखर रावण को सिक्योरिटी आप दे पाएंगे? हाकिम का क्या जवाब आता है वो तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो हमें मालूम है कि हाकिम जल्दी उस पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो ये भी बताया नहीं कि शत्रुघ्न सिन्हा की मूवी है खामोश। तो प्रधानमंत्री जी हमेशा खामोश रहते हैं। प्रधानमंत्री जी को एक नारा दे दीजिएगा
कि आप कांग्रेसियों को गरियाइए, आप विरोधियों को गरियाइए, आप भाजपा के जो समर्थन नहीं करते हैं उनके ऊपर ही डीसीपीआई बैठाई। आप लोग चंद्रशेखर रावण के समर्थन में रहिए, और जितनी भी भीड़ है अभी और भी भीड़ वहां पे एकत्रित हो रही है, वहां पे व्यवस्था बनी रहे, वहां पे कोई उठपटांग हरकत ना करे। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भीम।